ल्यूकोडर्मा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ल्यूको माने व्हाइट, डर्मा मीन्स स्किन, हमारे शरीर की स्किन व्हाइट होने लग जाती है। हर व्यक्ति में अलग कारण की वजह से ये सफेद दाग हो सकते हैं, ये चकत्ते पड़ सकते हैं, ये विटिलिगो हो सकता है। अपने प्राचीन जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो आयुर्वेद है, उसका सहारा लेना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र राणा, फाउंडर एंड MD आरोग्य मेडिसिटी हॉस्पिटल हरिद्वार से आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ जिसके बारे में हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ हैं। दोस्तों, ये बीमारी है विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, और आयुर्वेद में इसे कहते हैं स्वित्र। ल्यूकोडर्मा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ल्यूको माने व्हाइट, डर्मा मीन्स स्किन, हमारे शरीर की स्किन व्हाइट होने लग जाती है। दोस्तों, ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में लगभग 2-3% पॉपुलेशन को इस समय अफेक्ट कर रही है, और ख़ास करके जो हमारी एशियन कंट्री है, जहाँ पे हम लोग डार्क स्किन कलर के लोग होते हैं, उस जगह पे ये ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो या स्वित्र होता क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो हमारी स्किन है, उसकी डर्मिस में एक सेल्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं मिलेनोसाइट। ये मिलेनोसाइट एक पिगमेंट को एक्सक्रीट करती है, मिलेनिन पिगमेंट को, जो हमारे शरीर के स्किन को डिसाइड करता है कि ये गोरा होगा, गेहुआ होगा, डार्क होगा या अन्य किसी कलर का होगा। अब कई बार हमारे शरीर की ये मिलेनोसाइट डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसका एग्जैक्ट कारण तो अभी तक अननोन है, लेकिन ये मल्टीफैक्टोरियल एक डिजीज है जिसमें हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स हैं, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो किसी वजह से ट्रिगर हो जाती है, और उस ट्रिगर के कारण वो हमारे शरीर की मिलेनोसाइट्स को एक फॉरेन पार्टिकल के रूप में समझने लगती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। एक और कारण कई सारी रिसर्च में आया है कि जब हमारे शरीर में एक बहुत ज़रूरी पोषक तत्व तो कॉपर की कमी हो जाती है, तांबे की कमी हो जाती है, तो उसमें जो मिलेनोसाइट से मिलेनिन बनाने के लिए एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, उसको डिस्टर्ब होने लग जाता है, और टायरोसिनेज के डिस्टर्बिंग की वजह से मिलेनोसाइट मिलेनिन प्रोडक्शन को कम या बंद कर देती है, तब भी हमें विटिलिगो हो जाता है। तो अब अगर विटिलिगो हमारे शरीर में है, हमारे शरीर की नॉर्मल स्किन में अगर सफ़ेद चकत्ते पड़ने लग जाए, तो हम ये कैसे पहचाने कि विटिलिगो ही है। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं कि जो विटिलिगो जैसी दिखती है, जो सफ़ेद चकत्ते जिसमें शरीर की त्वचा पर पड़ने लग जाते हैं, और हम ये डर जाते हैं कि कहीं हमें सफ़ेद दाग या विटिलिगो तो नहीं हो गया। इन बीमारियों में सबसे जो कॉमन बीमारी है वो है पिटीरियासिस अल्बा या पिटीरियासिस रूब्रा। इसमें जो पिटीरियासिस रूब्रा होता है, शरीर में कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से या पसीने के ज़्यादा रुकने की वजह से हमारे शरीर की स्किन में छोटे छोटे वाइट चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, खासकर हमारे कंधे पे या ट्रंक एरिया में, नेक की साइड, कई बार फेस पे भी वो चकत्ते आने लग जाते हैं, और आदमी एकदम से घबरा जाता है कि कहीं हमें सफ़ेद दाग तो नहीं हो गया है। एक और बीमारी है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में ये एक जेनेटिक बीमारी है, और हमारे जन्म से ही हमारे शरीर में जो मैंने आपको कहा मिलेनोसाइट जो कलर बनाती हैं, वो मिलेनोसाइट ही नहीं रहती या वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती हैं, जिससे हमारे शरीर में कलर नहीं बन पाता और हमारा पूरा शरीर, हमारे बाल, आईब्रो, स्किन जन्म से ही वाइट रहती है, सफ़ेद रहती है। तो कई बार उसमें भी हम लोगों को लगता है कि कहीं ये सफ़ेद दाग तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम ये कन्फर्म कर सकें कि सफ़ेद दाग है या कोई अन्य त्वचा की अन्य कोई बीमारी हो रही है, हम अपने डॉक्टर के पास जाएँ। आपके जो अनुभवी चिकित्सक होंगे वो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन से, इसके साथ साथ आपके कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा और आपके डर्मास्कोपिक एग्जामिनेशन से ये कंफर्म कर देंगे कि आपको सफ़ेद दाग ही है या कोई अन्य कमी की वजह से ये सफ़ेद चकत्ते पड़ रहे हैं। आप लोग घर में भी ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको सफ़ेद दाग होगा तो उस जगह पर आपको खुजली नहीं होगी। अगर आप धूप में ज़्यादा निकलेंगे सफ़ेद दाग के साथ, तो वो फोटो सेंसिटिव आपकी स्किन वहाँ पे हो जाती है, यानी धूप के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वहाँ पे वो लाल हो सकती है। ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरा आग्रह आपसे यह है कि इसके कंफर्मेशन के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं। अब बात आती है कि इसके कारण क्या है। देखिए, इसमें बहुत सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं। ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है जिसमें हर व्यक्ति में अलग कारण की वजह से ये सफ़ेद दाग हो सकते हैं, ये चकत्ते पड़ सकते हैं, ये विटिलिगो हो सकता है। सबसे पहला कारण जो अब तक सामने आया है वो है स्ट्रेस या
बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल, जब हम लोग बहुत लंबे टाइम तक चिंता में, शोक में, दुख में रहते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और वो इम्यून सिस्टम कई बार हमारी स्किन की मिलेनोसाइट सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने लग जाता है। इसके साथ साथ अगर बहुत लंबे समय तक कोई ऐसी हार्मोनल डिजीज जैसे थायराइड या एडिसन डिजीज या होशिमोटो डिजीज आपको है, जिसका आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या आपको पता ही नहीं है कि आपके शरीर को ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसके अनट्रीटेड होने की वजह से भी कई बार हमारे इम्यून सिस्टम हमारे रंग की कोशिकाओं को तोड़ने लग जाते हैं। एक और कारण जो इसमें देखा गया है कि जो हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, हमारे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का विस्तार से वर्णन है और किसी और वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से जैसे दूध के साथ नॉनवेज का सेवन, दूध के साथ नमक को पका करके खाना, जैसे हम लोग कढ़ी बनाते हैं, हम लोग शाही पनीर बनाते हैं, हम लोग जो है नॉनवेज के साथ दूध डाल देते हैं, क्रीम डाल देते हैं, तो ऐसे खाद्य पदार्थ या दूध के साथ खट्टे खाद्य पदार्थों के सेवन से भी कई बार हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और हमारे मिलेनोसिल को तोड़ने लग जाता है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य कारण है जिसके कारण से आपका विटिलिगो ट्रिगर हो सकता है और आपकी बॉडी में सफ़ेद चकत्ते पड़ सकते हैं। तो हमें इन कारणों को जानते हुए इसका परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ में हम लोग ये देखते हैं कि विटिलिगो होता कितने प्रकार का है, इसके टाइप्स क्या हैं, तो इसके प्रेजेंटेशन के आधार पर, बॉडी में इसकी अपेयरेंस के आधार पर इसको मुख्य रूप से दो टाइप का बताया गया है। पहला है सेगमेंटल विटिलिगो, जो आपके किसी एक छोटे से पार्ट में हो सकता है, एक दो निशान हो सकते हैं और होने के बाद वो स्थिर हो जाते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। ये मोस्ट कॉमनली 10% लोगों में पाया जाता है, लेकिन जो दूसरा नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है, ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है और ये कंटिन्यू स्प्रेड होते हुए कई बार आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। साथियों, अगर आपको विटिलिगो कन्फर्म हो गया है तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो हमारी त्वचा की फोटोसेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि हम लोग अगर धूप में ज़्यादा रहेंगे या किसी फोटोसेंसिटिव एरिया में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ज़्यादा रहेंगे तो हमारी स्किन में रेडिएशन हो सकता है, हमारी स्किन में रेडनेस बढ़ सकती है। दूसरा जो नुकसान है वो है इसका सोशल कॉज। हम खास करके भारत में इस बीमारी के प्रति कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारी गलतफहमियां हैं और यहां तक कि कई लोग तो इसको कुष्ठ का प्रकार भी मानते हैं। तो उस वजह से जब हम लोगों को ये सफ़ेद दाग शरीर में हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, हम लोगों को सोशली थोड़ा सा हम लोग सोशल लाइफ से थोड़ा सा दूर होने लग जाते हैं, तो ये इस बीमारी का नुकसान है। लेकिन मैं एक बार आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये केवल एक पिगमेंटरी डिसऑर्डर है। जिस प्रकार से हमारे चेहरे पे कई बार झाइयाँ हो सकती है हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से, ऐसे ही कई बार हाइपो पिगमेंटेशन की वजह से सफ़ेद दाग हो जाता है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि विटिलिगो के किसी भी रोगी के प्रति आप कोई भेदभाव और छुआछूत का बर्ताव न करें। दोस्तों, सफ़ेद दाग में हमें क्या करना चाहिए और क्या किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, इसके जो कुछ घरेलू उपाय हैं उसमें सबसे पहले है कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका है प्राणायाम और ध्यान। आप किसी अच्छे योगाचार्य की मदद से ध्यान प्राणायाम की अभ्यास करें और शरीर के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने का प्रयास करें। अगर हमारे किसी स्थान पर एक या दो सफ़ेद दाग हैं तो हम उसमें अपने घर में मिलने वाली तुलसी के पत्तों का रस लगा सकते हैं, उसमें नील इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया करके एक जड़ी बूटी आती है, उसको नारियल के तेल में मिला करके लगा सकते हैं। बाकुची इसमें काफ़ी प्रसिद्ध औषधि है, बाकुची का तेल या बाकुची के बीज को गौमूत्र में मिला करके उस जगह पर लगा सकते हैं, जिससे वहां पे आपका रीपिगमेंटेशन हो सकता है। लेकिन ये केवल सेगमेंटल विटिलिगो के लिए है। अगर आपको नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है, ये लगातार स्प्रेड हो रहा है, तो ये किसी लगाने की दवाई से ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको किसी अच्छे अनुभवी चिकित्सक से अपना उपचार करवाना ही चाहिए। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में, विटिलिगो का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। वहाँ पर हम लोग फोटोथेरेपी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, स्किन ग्राफ्टिंग के द्वारा, कुछ स्टेरॉइड्स के द्वारा इसको कुछ समय के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट ख़त्म अगर आप करना चाहते हैं, इसको अगर कंप्लीट सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो उसके लिए हमें
अपने प्राचीन जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो आयुर्वेद है, उसका सहारा लेना पड़ेगा। किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आपको उपचार के लिए जाना पड़ेगा, जिससे कि वो आपके शरीर के दोषों को सम्यक करते हुए आपके पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से, वमन विरेचन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से, और साथ ही साथ में कुछ जड़ी बूटियों के जो बनी हुई औषधियां हैं, जैसे कि हमारे यहाँ स्वयंभू गुगुल बताया गया है, और अन्य भी कई ऐसी औषधियां हैं जिनके द्वारा हम विटिलिगो का परमानेंट क्योर कर सकते हैं। इसको हमारे आयुर्वेद में भी कष्ट साध्य रोग कहा गया है कि ये बहुत समय के बाद इसमें रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा समय लग जाता है ठीक होने में, लेकिन असाध्य नहीं कहा गया है। ऐसी जड़ी बूटियां हमारी प्रकृति ने हमें प्रदान की है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हुए, दोबारा उनको अपनी फंक्शनिंग में नॉर्मल करते हुए आपके इस इम्यून ट्रिगर को बैलेंस कर सकती है और आपके विटिलिगो को परमानेंट क्योर कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य और साथ ही साथ में परहेज के साथ, अपनी जीवन शैली में बदलाव के साथ इस रोग का सामना करना पड़ेगा, इस रोग का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था विटिलिगो के बारे में एक संक्षिप्त परिचय कि अगर आपको कहीं भी ये डाउट हो रहा है कि आपके शरीर में इस प्रकार के कोई पैचेज बन रहे हैं तो आपको इसकी कुछ जानकारी मिल सके, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी थोड़ा सा गाइडलाइन मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपनी जिज्ञासाओं को जरूर लिख करके भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के कुछ जानकारी भरे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।